वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट चल रहा है सेहत का सवाल, और सेहत के सवाल में मेरे साथ है डॉक्टर नाजिया। हम बात करें एग्जामा पे। नाजिया, हम बात कर रहे थे स्विमिंग पे, हमने बात कर ली आपने कहा स्विमिंग ट्रिगर करती है, इचिंग ज्यादा बढ़ती है। क्या प्लेग्राउंड्स में बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम? उनके लिए भी देखें, बात यही है कि जितने भी घास है और जितनी भी धूल है वो जब लगती है तो बच्चे इरिटेट होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग खेल रहे हैं वो सब हेल्दी हैं, किसी को कोई इशू नहीं था, ऐसा नहीं। अगर आप प्रॉपरली चीज़ ठीक कर रहे हैं तो इवन आपको कोई लीजन भी नज़र नहीं आएंगे एक्जिमा के पेशेंट के। लेकिन लोग क्या करते हैं, उकताने की हमारे यहाँ बीमारी है, चार दिन ये दवाई मैं सारी उम्र थोड़ी ना खाऊंगी। भाई जब एक वक्त आपको एक प्रॉब्लम आई है इस वक्त तो आपने उसको खाना है, वो ठीक करना है। जब आप उसके मेकअप से हर वो चीज़ जो कॉन्टैक्ट करती है, आप क्या क्या बता रही हैं, मतलब हमें तो ये बात की नॉलेज है, हमें कोई मसला नहीं होता ना, हमें जिन्हें कोई मसला नहीं, लेकिन जिनको एक्जिमा है उनको पहले एक्जिमा को, मेरे कई पेशेंट्स हैं एक्जिमा के जो ठीक होने के बाद बाकायदा तौर पे अब अपने जो मार्क्स रह जाते हैं उनका इलाज कर रहे होते हैं, और उसके बाद बाकायदा, क्योंकि वो मार्क्स भी रह जाते हैं तो हमें उन्हें भी रिमूव करना होता है, तो हम वो करते हैं। उसके अलावा बाकायदा तौर पे जो हाइपोएलर्जेनिक मेकअप होता है उनको वो एडवाइस करते हैं, वो लगाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन उन्होंने इस आर्ट को सीख लिया है कि आफ्टर एवरी फेस वॉश, आफ्टर एवरी हैंड वॉश एंड आफ्टर एवरी बॉडी वॉश मुझे अपने आप को थिक बॉडी बटर से मॉइस्चराइज करना है, तो उनकी 50% मेडिकेशन की नीड वैसे ही खत्म हो जाती है। प्लस वो अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को लोकलाइज कर लेते हैं कि मुझे अंडे से प्रॉब्लम थी, मुझे धूप से थी, जिनको पैरों में निकलता है उनका क्या हाल, उनका चप्पलों से, ये हमारे यहाँ की जो चप्पलें जो इस तरह की आपने भी पहनी हुई है अभी, ये क्या होता है कि जब किसी को प्रॉब्लम है ऑलरेडी तभी यहाँ से ज्यादा चप्पलें नहीं, इसीलिए तभी नाजिया यहाँ से ना रिंग्स लेती है, ना इयररिंग्स लेती है, ना चप्पलें लेती है, जिस ट्रिप से आती है नाजिया नई नई चीजें पहन के बैठी होती है। इसीलिए उसमें तो होता ही इसके अंदर ग्लू यूज होता है, और हाँ, वो ग्लू इरिटेट करता है आपकी स्किन को, जिसको ऑलरेडी जो आपके ये जो बीच वाली ये जो इस, इसको और ये जहां जाइए जो आपकी ये स्टड लगा हुआ है पूरा ना, इसके हाँ इसके नीचे टो से लेके नीचे तक पूरा जो फ्रंट ऑफ द सोल है, इसके पूरे ऊपर पूरी लाइन जो होती है ना जहाँ पे वो अच्छे डायमंडीज और लगे होते हैं आपको पूरा वो लाइन बन जाती है, वो फिर पेशेंट खुजाए जा रहे, उसमें खारिश बहुत गंदी होती है। आप जितनी भी कोशिश कर लें अगर आपका हाथ पड़ जाए तो फिर जब तक आप खुजा ना लें आपको सुकून नहीं आता, तो वो एक बड़ी बुरी चीज़ है। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आजकल जो वो फ्लैट पंप्स टाइप के आए हुए हैं जिनके अंदर वो बड़े स्टाइल से बने होते हैं, वो होते इतने छोटे हैं कि वो इस सेंट्रल एरिया को इरिटेट नहीं करते। अब ठीक है, अगर आपने कभी किसी शादी में पहन लिया है तो पहनने से पहले थोड़ी ऑइंटमेंट लगा लें, क्योंकि देखिए शादियों में तो पहनना होता है लोगों को, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जी जाए पंप्स पहन के चले जाए, तो आप पहले से अपनी टैबलेट्स खा लें अगर आप पहले से पेशेंट हैं तो, ये नहीं कि आप नहीं हैं तो खुद ही से शुरू हो जाएं कुछ करना, अगर आप पहले से पेशेंट्स हैं तो आप उस दिन से जो है वो टैबलेट खाएं, ऑइंटमेंट लगा लें, और उसके बाद वो चप्पल पहन लें, घर आकर प्रॉपरली पैर को साफ करें, धोएं, और उसके बाद से कुछ दिनों तक अवॉइड करें वो पहनने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्रीक्वेंटली मैनीक्योर पेडिक्योर कराने से कितना, पेडी और मैनी का कितना? देखिए अगर पेडिक्योर मैनीक्योर में कोई बुराई नहीं है, अगर चीज अगर चीज अच्छी इस्तेमाल है, प्रॉपर हाइजीन है, उसकी क्वालिटी क्या है चीजों की, करने वाला कितना स्किल्ड है, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ उन लोहा खवातीन को और हजरात को जो पेडिक्योर मैनीक्योर कराते हैं, अगर उन्हें फंगस या एक्जिमा किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी वो ऐसे किसी काम में इंडल्ज ना हो, बिकॉज ऐसा करने से उनका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ने की वजह से डेफिनेटली फिर कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है नाजिया, एक्जिमा और सोराइसिस में क्या फर्क है? सोराइसिस देखें ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पैथोलॉजी, उसके अंदर होता यह है कि आपकी स्केलिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर टी सेल की डिफॉर्मिटीज और उनकी क्रॉस रिएक्शंस की वजह से ये हो जाती है। वंस इट्स हैपेंड तो इसके अपने साइड्स अलग हैं, ये आपको अपने इन जॉइंट्स पे मिलती है, आपको नी जॉइंट्स पे मिलती है, आपको एंकल जॉइंट्स पे मिलती है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से निशान बन जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है ये तो नमाज की वजह से निशान बन गया, ये तो कोई बीमारी नहीं, ये तो मुझे कई सालों से, बट सोराइसिस के ये पैचेस हैं, और जब आप आइडेंटिफाई कर लें, अच्छा इसी तरह हैंड्स एंड फीट का भी होता है, यही मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि एक्जिमा के साथ हमेशा इसका प्रॉब्लम होता है डायग्नोस करने में, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन कुछ मिलती जुलती है, बट इसके क्रैक्स, इसकी जो आती हैं हाथों के अंदर, सोल्स के अंदर जो क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, फिजर्स आते हैं, वो सब आपको देखने होते हैं, और बाज़ औकात ये तो वो हो गया। अच्छा, अब बॉडी को अगर इन्वॉल्व करता है तो वो गोल गोल पिंक कलर के सैल्मन पिंक कलर के पैचेस बनते हैं, अगेन लोग उसको फंगस से कर देते हैं कन्फ्यूज के जी नहीं ये तो हो नहीं रहा, लेकिन इसको कंट्रोल करने का एक आर्ट है। सोराइसिस एंड एक्जिमा एक दफ़ा आपको हो जाए तो वो आपके साथ है, सही। अब आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, दिस इज बेसिकली बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, एंड द आर्ट टू कंट्रोल इट इज डेफिनेटली विद द डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर के साथ इन टच हैं
और आप उस पर ट्रस्ट करें तो वो आपको वाकई एक आहिस्ता 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 उस स्टेज की तरफ ले जाएगा, क्योंकि देर आर नो शॉर्टकट्स इन बोथ द डिजीजेस. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, की एहतियात जरूरी है डॉक्टर की, क्योंकि इसमें ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं. कभी मैं बहुत तेज दूंगी जब आप बहुत ज्यादा सोराइसिस के साथ होंगी, जब आप कम होने लगेंगी, अगर मेडिसिन भी आपको अफेक्ट कर रही है, आपको नहीं सूट कर रही, तो आप चेंज करें. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छा मतलब आप चेंज कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं. मैंने जो ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनका कोई हल नहीं निकला, तो ये है कि लोगों की भी गलती है. एज अ पेशेंट मैं देखती हूँ ना लोगों को क्या होता है, अचानक जब वो सही हो रही थी, सब कुछ ठीक था, मैं थक गई डॉक्टर साहब के पास जाते जाते, मैं कुछ चेंज चाहती हूँ. बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन सूट्स या कोई रेस्टोरेंट. खास पेशेंट की नकल उतारी, कईयों की ये जो खास पेशेंट की नाजिया ने नकल उतारी है कि मैं तो थक गई. तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, कि आपने चार दिन कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए डॉक्टर. मैंने आपको देखा, मजे के बाद आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन लेके दूसरे के पास पहुंच जाएंगे. और मुझे, मैं उसको यही कहती हूँ, मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, मैं भी यही देती. हाय अल्लाह, आप भी यही देती. मैंने कहा नहीं. और ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि किसी और की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई? बिल्कुल आती हैं. और उसके अंदर वो कहती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो सही नहीं हो रहा था. मैंने कहा कितने दिन लगाया, कैसे किया, उसमें ही उसकी मिस्टेक होती. मैंने कहा बिल्कुल सही था, तो मेरे पास आती तो मैं भी तुम्हें यही देती. फिर कहती है बस मैं बोर हो गई थी, मैं चाह रही थी कुछ नया. मैंने कहा रोज अंडा खाते खाते आज तुम्हें निहारी खानी है. तुम डॉक्टर को क्या मतलब, लोग डॉक्टर्स की भी शॉपिंग करते हैं, जैसे विंडो शॉपिंग हम करते हैं, डॉक्टर शॉपिंग इस तरह. डॉक्टर शॉपिंग इज अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी. बस अचानक बोर हो गए, वन फाइन डे आपसे उकता गए, बस अब वो दिन वो छोड़ के चले गए. दो महीने बाद वापस आके फिर वो कन्फेस भी करते हैं, मैं बीच में ना उकता आ गई, मैं फिर इनके पास गई, ये इसके पर्चे, मुझे मजा नहीं है, फिर मैं वापस आ गई. बेवकूफी है ना. और कुछ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे गुड डॉक्टर्स, ऐसे गुड लुकिंग डॉक्टर्स हैं जो शो टीवी पे आते हैं, फिर लोग उनके पास चले भी जाते हैं और फिर बेवकूफ बन के आ जाते हैं, जिनको ना सर पता है ना पांव पता है. वो बहुत पता नहीं कौन कौन से बहुत क्वैक्स बहुत आ गए हैं. एक तो ये मसला हो गया है. दूसरा ये है कि एजुकेशन के साथ साथ लोगों का दिल लेने के लिए आप अगर टोटको पे देखें, डॉक्टर कभी जेन्युइन डॉक्टर, आप इधर से अफ्रीका अमेरिका चले जाएं, वो कभी भी टोटका नहीं बता सकता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ मेडिकेशन. वो ट्रेंड हुआ है दवाई देने के लिए. यहां बैठ के मैं के बता रही होती हूँ, नाजिया हंस रही होती है, तो लेकिन कभी नाजिया ने बात भी बता नहीं किया कि हाँ आप ना सही कह रही हैं, आप ये बीबी आप ये कर ले, मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ अच्छा आप ये कर ले. ये वो रोड का क्या है, घरेलू एक्सपीरियंस है जो हमारी दादी नानी जो बताती थी. मैं नहीं कह सकती बिकॉज मैं ट्रेन नहीं हूँ, तो मैं वो बात बोलूं ही नहीं. भाई आपको ठीक लगा आप करें, आपको अगर खोपरे के तेल से सही लगता है आई डोंट माइंड, लेकिन ये कि मुझे हो सकता है खोपरे के तेल लगाते ही एलर्जी हो जाए, तो मैं कैसे मानूं. इचिंग स्किन ड्यूरिंग एक्जिमा कैसे कंट्रोल होता है? देखिए इचिंग के लिए हमारे पास एंटी एलर्जिक्स होते हैं, वो दिए जाते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के, एक नहीं खाली खारिश की गोली होती है. हमारे पास लोगों को पता होता है भाई ये एक दवाई खा लें दैट्स इनफ, ऐसा नहीं है. मुख्तलिफ ग्रुप की इचिंग की होती है कि एक ऐसी होती है जो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन की इचिंग के लिए देती है, एक वो है जो आपके इचिंग प्रोड्यूस करने वाले मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, एक एलर्जेंस को कंट्रोल करती है. तो हर एक का बॉडी में एक फंक्शन है, इसीलिए डॉक्टर सुबह की अलग रात की अलग और एक दवाई ऐसे दे रहा होता है जो मुख्तलिफ ग्रुप से आपको आपकी खारिश को और उन मैकेनिज्म को करता है. और सेकंडली जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि जो चीज़ें आपके कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, खाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कई चीज़ें आपके खाने की वजह से ज़्यादा होती हैं, कई लोग नट एलर्जी होते हैं, शेल फिश एलर्जी होती है, फिश एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ों की, ड्रग की एलर्जी है, G6PD डेफिशिएंट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो अगर वो चीज़ नहीं वो रोक रहे, खाए चले जा रहे तो वो ठीक ही नहीं हो रहे. तो इसलिए उनको भी अलग करना, डायग्नोज करना विद द टेस्ट इज. अच्छा, समर विंटर के अंदर स्किन केयर की जो चेंज करना चाहिए, एक्जिमा जो क्रीम्स हैं, मैं जितने अरसे से शो कर रही हूँ मैं हमेशा से ये बताती हूँ कि दोनों के केयर, चाहे नॉर्मल आदमी चाहे वो है, वो फर्क है. हाँ, ऑयल समर के अंदर आप लेस ऑयली बॉडी बटर्स की तरफ जा सकते हैं इवन, लेकिन ये या इमोलियंस की तरफ, लेकिन अगर आप विंटर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर वाकई जो थिक इमोलियंस होते हैं वो आपको लगाने चाहिए. बॉडी बटर्स भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ठीक ठाक होती है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक. लेकिन उसको लगाने का तरीका ये है कि वेट सरफेस पे लगाना चाहिए, जैसे कि हाथ धोया हल्के गीले पे लगा लिया, बॉडी धोई उसको कम्प्लीटली, लोगों की आदत है रगड़ रगड़ के टॉवल से आप ड्राई करते हैं और उसकी वजह से आप कहते हैं कि जी नहाते ही जी मेरी बॉडी रेड हो जाती है, तो ये इसीलिए सेंस नहीं बनाती बात, क्योंकि अगर आप उसको हल्का सा वेट छोड़ दें तो उसके ऊपर बॉडी बटर लगाते हैं तो आपको वाकई फ़र्क पड़ता है. और उसके अंदर कोई डॉक्टर ने अगर आपको ऑइंटमेंट वगैरह दिए तो आप लगाएं, लेकिन सेंसिबली अपने आप को अगर आप चलाते हैं तो आपको वाकई प्रॉब्लम नहीं होता. हाँ, लेकिन अलबत्ता जब कभी बुखार आ जाता है तो ये स्किन रैशेज पहले से ज़्यादा हो जाते हैं. अच्छा, क्या एक्जिमा को
स्क्रैच करने से स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है? बिल्कुल होती है, इन्फेक्टेड एक्जिमा बनता ही ऐसे, और अगर आप उसको मजीद करते चले जाएंगे तो वो जगह काली होते होते अजीब हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। मैंने वो LSC जो मैंने अभी बताया था, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस जो है वो बन जाता है। तो ये चीज़ें देखिए, इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें एक्जिमा को, तो ये है कि इससे उकताने की जो हैबिट होती है लोगों की कि मैं थक गई, अब मैं कितने साल करूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे